नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त फुडल। आज हम सब मिलकर अपने स्कूल पर एक कविता सुनेंगे। चलिए कविता सुनते हैं। उठ कर के सुबह हो कर के दिया पहन के यूनिफॉर्म बैग उठा कर या स्कूल बस पे गाते पढ़ते लिखने को हम जब चले सो जाते हंसते गाते पढ़ते लिखने को उठ कर के सुबह हाँ चले चले दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको यह कविता बहुत पसंद आई होगी। चलिए अब मैं आपको अपने दोस्त सूरज के बारे में बताता हूँ, जिसको स्कूल जाना यानी कि विद्यालय जाना बहुत पसंद है। मेरे दोस्त का नाम सूरज है। मेरे दोस्त के स्कूल का नाम कॉन्वेंट स्कूल है। सूरज को स्कूल जाना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि उसकी माताजी उसके लिए हर दिन खास नाश्ता बनाती हैं। कभी काजू की नमकीन, कभी तरबूज का जूस या मलाई वाला दूध, और लंच में आलू से बना पराठा या आलू की सब्जी रखती हैं। सूरज के विद्यालय की इमारत 2 मंजिला है। उसका विद्यालय बहुत ही खूबसूरत है। सूरज के विद्यालय में एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें सभी बच्चे खेलते हैं। उसके विद्यालय में बहुत सारे कमरे हैं और सभी कमरों में कूलर लगा है। उसके विद्यालय में एक सुंदर बगीचा भी है जिसमें बहुत तरह के फूल लगे हैं और एक बड़ा चीकू और नींबू का पेड़ भी है जिस पर चीकू और नींबू लगे हैं। वहाँ बच्चे बगीचे में पेड़ पौधों को पानी डालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। उसके विद्यालय में हर विषय के अध्यापक हैं तथा एक प्रधान अध्यापक हैं जो विद्यालय की व्यवस्था को संभालते हैं, और साथ में बहुत सारे कर्मचारी हैं जो विद्यालय को खूबसूरत बनाकर रखते हैं। विद्यालय में पढ़ाई के अलावा अनेक प्रकार के खेल भी सिखाते हैं और गाना, नृत्य, रंगोली, खेल की प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। इसीलिए सूरज को प्रतिदिन विद्यालय जाना बहुत पसंद है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको भी विद्यालय जाना बहुत पसंद होगा। आइए इस कहानी में ऊ की मात्रा के शब्दों से संबंधित एक गतिविधि करते हैं। दोस्तों, इस गतिविधि में हम इन शब्दों पर बड़े ऊ की मात्रा को लगाएंगे। तो
तो देखिए, पहला शब्द है सरज, सरज। चलिए सब पर ऊ की मात्रा लगाकर देखते हैं। स ऊ सु र ज, सूरज। तो यहां पर क्या शब्द बना? सूरज। तो बड़े ऊ की मात्रा कहां पर लगेगी? स पर, सूरज। अगला शब्द है काज, काज। ऐसा कौन सा शब्द आया था कहानी में? जी हाँ, काजू। तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी ज पर, काजू। अगला शब्द है तर बज। ऐसा कोई शब्द आया था कहानी में? जी हाँ, तर बूज। तो ब व्यंजन पर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, तर बूज। अगला शब्द है जस। तरबूज के बाद हमने कौन सा शब्द किया था? जूस। तो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी ज पर, ज ऊ जू स जूस। फिर है द ध। दध क्या होता है? दध कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए ऊ की मात्रा लगाकर देखते हैं। द ऊ दू ध। तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी द पर, द ऊ दूध। अगला शब्द है च ई ची क। चीक क्या होता है? चीक तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा कोई शब्द हमने किया था? जी हाँ, चीकू। तो हमें यहाँ पर क व्यंजन पर बड़े ऊ की मात्रा का स्वर सुनाई दे रहा है, चीकू। फिर देखिए न ई नी ब, नीब। चीकू के बाद हमने कौन सा शब्द किया था? नीबू। तो चलिए ब व्यंजन पर बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, नीबू। फिर फल, फल। फल एक शब्द होता है, लेकिन अगर हम फ पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? फूल। इसी तरह से अगला शब्द देखते हैं, कलर, कलर। कलर पे अगर क व्यंजन में हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाता है? कूलर, कूलर। चलिए एक बार इन शब्दों को पढ़ते हैं। सूरज, काजू, तरबूज, जूस, दूध, चीकू, नींबू, फूल, कूलर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको विद्यालय और ऊ की मात्रा की यह वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।